अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हैं टेम्परेट फार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये वो एक स्टेज होता है हमारे इस सीज़न में जिसमें बहुत सारे स्प्रेज करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। जैसा कि पिछले 4 सालों से हम और मैं और डॉक्टर तारिक रसूल साहब आपको कंटिन्यूसली गाइड करते आ रहे हैं कि अगर रेनज़ हो तो रेनज़ से पहले स्प्रे करें, लेकिन कभी कभी फ्रीक्वेंट रेनज़ ज़्यादा होते हैं और हमने पिछले 6 महीने से या 7 महीने से जो हमने वेदर पैटर्न यहाँ देखा है तो उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाती है। अगर वेदर ऐप की हम बात करें जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, कोई एक कोई दो, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी दिखाता है कि बारिश होने वाली है लेकिन हम देखते हैं बाहर धूप होती है। सो कुछ चीज़ें और हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि कब हमें एक्चुअल में हमारी लोकेलिटी में स्प्रे करना है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इंशाल्लाह डिटेलर वीडियो में आपके साथ ईद के बाद शेयर करूंगा। यहाँ 3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला, जो हमने डिस्ट्रिक्ट शुपयान में ग्रीन एफिड का अटैक देखा, दूसरा बोरान स्प्रे और तीसरा पिंक बर्ड स्प्रे। शुरू करते हैं ग्रीन एफिड से जो डिस्ट्रिक्ट शुपयान में हमें देखने को मिली। देखिए, बहुत सारे फार्मर्स को ऐसा लगता है कि शुपयान में उनको ग्रीन एफिड का अटैक इसलिए देखने को मिला शायद उन्होंने HMO के साथ कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया। ये जिस एरिया में इशू ज़्यादा हुआ है वो मेरे विसनिटी के गाँव में सारे हैं, तो जितने भी डीलर से मैंने फार्मर से बात किया है और मुझे खुद वहाँ का कल्चर पता है, लोग कैसे स्प्रेज करते हैं, तो हार्डली कोई घर होता है ऐसा कि जो HMO के साथ इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करता है। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ HMO स्प्रे करते हैं तो यहाँ जो आप इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हो वो शायद आपको कभी और यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आपने दोनों स्प्रे किए, दोनों को मिक्स करके स्प्रे किए, लेकिन ओबियसली फिर और एक स्प्रे आपको 10-12 दिनों में ही फिर से करना पड़ा। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, मतलब जो फार्मर्स कुछ लिख रहे हैं कि उन्होंने इथियन पर्टिकुलरली मिक्स नहीं किया, तो आप वहां जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट शुपयान के, मेजॉरिटी जो ग्रोवर्स होते हैं 99.9% ग्रोवर्स, उन्होंने इथियन को HMO के साथ मिक्स किया लेकिन तब भी वो एफिड का इशू आया। अब क्यों आया उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन हम एक एक्सपर्ट के साथ करेंगे जो एफिड पर ही पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, तो वो उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। तो अगर आपका इस वक्त स्टेज है, पर्टिकुलरली शुपयान में अभी ज़्यादा डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है, अगर आपके ऑर्चिड में इस वक्त ग्रीन टिप है या उससे हल्का थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप क्लोरोपाइरिफास जो हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज टाइट क्लस्टर या उससे ज़्यादा हुई है तो फिर थायोमेथॉक्सामिन 25 WG @50 g/100 L ऑफ वाटर आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया एफिड के लिए। अब पिंक बर्ड पे पिछले 4-5 सालों से आपको मैं भी कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि बोरान की स्प्रे एक अहम स्प्रे होती है। बोरान आपको समझना होगा, बोरान एक्चुअल में क्यों इस वक्त स्प्रे कहा जाता है करने के लिए, तो उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है फ्रूट सेट में, यानी नेचुरल फ्रूट सेट, जो नेचुरल यानी जब पॉलिनेशन होती है उसके बाद जो फ्रूट बनता है उसमें बहुत मदद करता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ग्रोवर्स के जो ये कह रहे हैं कि हमने स्प्रे किया लेकिन उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो 2 चीज़ें यहाँ मुझे समझ आ रही है, मेन जो 2 फैक्टर्स है जो स्प्रे कर रहे हैं बोरान का लेकिन फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है कि फ्रूट सेट में। पहला रीज़न होगा डेफिसिट पॉलिनेशन, यानी उनके ऑर्चिड में पॉलिनाइजर्स होंगे नहीं, जब पॉलिनाइजर्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, फ्रूट सेट उतना ज़्यादा होगा नहीं, तो सिर्फ बोरान स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा, आपके ऑर्चिड में अच्छा रेशो पॉलिनाइजर्स का होना चाहिए। दूसरा हो गया कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया। देखिए, मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किसी में 0.2% बोरान मिलेगा, किसी में 0.6, किसी में 2%, किसी में 3%, इस बोरान की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर आपको बोरान स्प्रे करना है तो आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में चूज़ करना है जिसमें कम से कम 18 से 20% बोरान हो, एटलीस्ट कम से कम 15% से ज़्यादा उसमें बोरान होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन करंटली जो हमें सिनेरियो है, मे बी कहीं पे इस वक्त पिंक बर्ड से भी ज़्यादा आगे स्टेज हुई हो, फ्लावरिंग का टाइम हो, कहीं पे पिंक बर्ड है, कहीं पे टाइट क्लस्टर है और कहीं पे अभी अभी ग्रीन टिप है, तो लगभग नेक्स्ट 4-5 डेज वेदर बहुत अच्छा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इस वक्त बोरान का स्प्रे करना तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि
बारिशें होनी होती है, बोरान स्प्रे भी फार्मर करना चाहता है और पिंकबर्ड स्प्रे भी उसको उसी के साथ करनी है। अगर आप स्प्रे शेड्यूल को देखेंगे तो वहाँ कोई कंटैक्ट फंगिसाइड आपको नहीं मिलेगा। फिर से डोडीन को आप कंटैक्ट फंगिसाइड उसमें लिखा आता है, लेकिन अगर आप स्प्रे शेड्यूल देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली लिखा है कि डोडीन के साथ आप कोई भी चीज़ मिक्स ना करें। तो उसके साथ अगर आप मिक्स करने जाएंगे तो इशू है। बाकी जितने भी आप वहाँ पर जितने भी आप फंगिसाइड्स देख रहे हैं वो सारे दो दो केमिकल्स की कम्बिनेशन में है। तो ऑलरेडी वो दो है और एक आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो पर्सनल लेवल पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमेशा उसमें फार्मर को इशू ही रहते हैं। तो बेहतर है अगर आपके पास टाइम है तो वो स्प्रे करें। लेकिन जो करंट कंडीशंस है हमारे वेदर की, बारिशें रेगुलरली हो रही है, वीकली वीकली बारिशें हो रही है, तो अंडरसाइज कंडीशन जो हमारे सॉइल में बोरान होता है वो भी अपटेक होता है, तो इसलिए उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें दो में चूज़ करना है, मुझे स्कैब के लिए स्प्रे करना है या बोरान स्प्रे करना है, तो बोरान को आप भूल जाइए। ऐसे कंडीशंस में बेहतर है कि आप किसी फंगिसाइड को स्प्रे करें ताकि आप स्कैब से बच सकें। अब पिंक बर्ड की बात करते हैं। अगर आपके ऑर्चिड में इस वक्त पिंक बर्ड, मतलब सिर्फ पिंक बर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि उससे भी जब वो थोड़ा फूल जाता है, चाहे पॉपकॉर्न स्टेज आप उसको कहो या बैलून स्टेज, अगर उस पर भी पहुँचा है और अभी तक आपने पिंक बर्ड स्प्रे नहीं की है तो बेहतर है आप स्प्रे करें, क्योंकि कुछ मतलब एक या दो दिनों में ही फिर फ्लावरिंग हो जाएगी और कोई नहीं चाहता है कि फ्लावरिंग में हम स्प्रे करें, फ्लावर्स को डिस्टर्ब करें या वहाँ जो माइक्रो क्लाइमेट है हम उसमें कोई डिस्टर्बेंस करें, बी एक्टिविटी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती है, तो बेहतर है। लेकिन अभी अगर टाइट क्लस्टर है तो फिलहाल 4-5 दिन ओबियसली मौसम अच्छा रहने वाला है, विथ टाइम अगर वेदर में कोई चेंज आ जाती है वो आपको भी पता रहता है, तो बाकी सारे फेसबुक पेजेस या मैं भी आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहता हूँ अगर ऐसा कोई मेजर रेन इवेंट होने वाला होता है। तो बेहतर है आप 2-4 दिन वो डिले करें जहाँ अभी टाइट क्लस्टर है, पूरा पिंक बर्ड नहीं हुआ है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से स्प्रे का भी टाइम आ गया और बारिशें होनी है तो ज़्यादा बेहतर है बारिश से पहले आप कोई भी स्प्रे करें जो पिंक बर्ड पे ऑलरेडी शेड्यूल में है, तो उससे आप स्कैब से भी सेफ रहेंगे और अगर बोरान आप कर सकते हो तो बेहतर है। अगर नहीं कर पाते हो इस वजह से कि बारिशें हो रही है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जिसकी वजह से आपको चूज़ करना पड़ रहा है, तो हमेशा चूज़ आप फंगिसाइड को करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।